दोस्तों नमस्कार। आज मैं रशिया के सोची शहर से आपसे बात कर रहा हूँ। सोची शहर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे 2014 में विंटर ओलंपिक्स हुए थे। पीछे जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, जो स्टेडियम्स दिख रहे हैं, बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये ओलंपिक पार्क है। ये कहा जाता है कि ओलंपिक के इतिहास में सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद सोची में बना था। क्या कारण थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो सही है कि बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बहुत ही अच्छी तरह से आज भी मेंटेन्ड है, और आज भी यहाँ पे आप बच्चों को और जो एंथुसियास्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको आप प्रैक्टिस करते देख सकते हैं। आज भी यहाँ पे सारे स्टेडियम बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड भी हैं। हमने भी कॉमनवेल्थ में अपने स्टेडियम बनाए थे, आज उनकी हालत क्या है, उनकी मेंटेनेंस की हालत क्या है, वहाँ के होर्डिंग्स, वहाँ के चेयर्स, वहाँ स्टेडियम के रखरखाव को अगर हम देखें और यहाँ देखें, तो आपको समझ में आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन सरकारें उसको मेंटेन नहीं कर पाती। जो डिपार्टमेंट्स की जिम्मेवारी होती है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाती, और अल्टीमेटली जो करोड़ों रुपए इस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जाते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, कैसे स्टेडियम्स को मेंटेन करना है, मुझे लगता है कि लोगों को शायद सोची में आके देखना पड़ेगा कि किस तरह से आज 10 साल बाद भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी खूबसूरती से मेंटेन हुए। दोस्तों ये शहर है, अगर आप ध्यान से देखें तो स्टेडियम के पीछे है ब्लैक सी, काला सागर जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहाँ से करीब 350 किलोमीटर दूर क्रीमिया, और वो ब्रिज है जहाँ पे यूक्रेन ने रशिया और क्रीमिया के बीच में जो पुल काम जोड़ने का काम करता है उस पे बमबारी की थी, ताकि उस पुल को तोड़ दिया जाए और रशिया और क्रीमिया के बीच में जो एक वाइटल कनेक्टिंग लिंक है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और वक्त के साथ क्रीमिया को रशिया से आज़ाद करा दिया जाए। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आज जो हम देख रहे हैं घटनाक्रम उसका एक हिस्सा है। लेकिन मैं आपसे वॉर की चर्चा करने नहीं आया हूं, मैं आज आपसे बात करूंगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया में क्या बदलाव आया और भारत उससे क्या सीख सकता है। इसीलिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और मुझे निवेदन है कि मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी पता लगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाक्रम कैसे हो रहे हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको लगेगा तो मैं आपको ये बता दूं कि पीछे मेरे मेन रोड है, हाईवे है, और ये आपको बताएगा कि कितना हलचल है इस शहर में, जबकि देश इस समय युद्ध की स्थिति में है। तो ये बातें हमें समझनी होंगी। कुछ मुद्दे जो मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा, सबसे पहले मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको बात बताई। सड़कों की हालत इतनी अच्छी है यहाँ पे कि अगर हम रात को 11-12 बजे भी अगर हम वॉक कर रहे थे तो ऐसा लगा कि यहाँ सड़कों की सफाई चल रही है। सब कुछ ऑटोमेशन है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि रशिया में पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, तो यहाँ पे आपको लेबर नहीं मिलती है। लेबर की जगह यहाँ पे सारा काम मशीनों से होता है, और मशीनें भी इतनी अच्छी ढंग से डिजाइन की गई हैं कि छोटी से लेकर बड़ी मशीनें तक अपना काम इतनी खूबसूरती से करती हैं कि उससे ना तो मिट्टी उड़ती है और ना जैसे हम लोग आसपास से गुजर रहे होते हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं। हिंदुस्तान में जो मशीनें हम इस्तेमाल करते हैं मेंटेनेंस में, वो मिट्टी ज़्यादा उड़ाती हैं, शोर ज़्यादा करती हैं, और जब आपको सफाई वाली मशीन चलती हुई दिखती है तो आप खुद ही उस रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जिस तरह की टेक्नोलॉजी और मशीनें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सुधार की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो इंडियन कंपनीज इस व्यापार में हों उनको यहाँ पे आके देखना चाहिए कि किस तरह से म्यूनिसिपैलिटी मशीनों को डिज़ाइन करती हैं, किस तरह से रखरखाव करती हैं, और हो सके तो उसको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों जहाँ तक बात है हाइजीन की, आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए आपको कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं मिलती। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट एकदम साफ। अगर आप वहाँ की क्रॉकरी देखें, वहाँ की फर्नीचर्स देखें, वहाँ की जो कलाकारी है उसको देखें, पेंटिंग्स देखें, दरवाजे देखें, वायरिंग देखें, कहीं पे भी आपको कोई भी डिफेक्टिव लटकती हुई तारें नहीं मिलेंगी,
आपको कहीं पे भी दाग नहीं मिलेंगे, आपको हर तरह की क्रॉकरी साफ मिलेगी। चम्मचों पे जैसे दाग होते हैं, जो चम्मच हम खाने में रेस्टोरेंट होते हैं उस पे पानी के दाग लग रहे थे, ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाइजीन के मामले में यहाँ पे लोग काफ़ी सतर्क हैं। तो ये एक चीज़ हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को सीखना चाहिए कि किस तरह से जब लोग आते हैं उनको उनका स्वागत करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने रेस्टोरेंट्स की हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। दोस्तों, सोची के बारे में बहुत विचित्र और अच्छी बात यह है कि सोची में दो तरह का पानी नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो हम आरओ के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, लेकिन पूरे सोची शहर में टॉयलेट का पानी और पीने का पानी एक ही है। कहने का मतलब ये है कि पानी जो हमारे टॉयलेट्स में आता है या नहाने के लिए आता है, उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि आप उसको पी भी सकते हैं। और इसीलिए होटल्स में या सारी जगह पे कहीं पे भी आपको अलग से वाटर बॉटल बिकती हुई नहीं दिखती है। होटल के रूम में भी आपको वाटर बॉटल्स नहीं मिलती हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ जग और गिलास दिए जाते हैं। और अगर आप पानी पीने का मांगते हैं तो कहते हैं आप टैप वाटर यूज़ कर लीजिए, ये पोर्टेबल ग्रेड WHO सर्टिफाइड पोर्टेबल ग्रेड वाटर क्वालिटी है। अब इतना पानी है कि आप इसे नहा भी सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। इसीलिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स में आपसे पानी के अलग चार्ज नहीं लिए जाते, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले जो वेटर होता है वो आपकी टेबल पे आके वाटर बॉटल रखता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पानी फ्री है, क्योंकि जितना पानी अवेलेबल है किसी भी नल में पूरे शहर में वो सब पीने योग्य है। क्या हिंदुस्तान में कभी कोई हम ऐसा शहर बना पाएंगे? क्या हमारी म्यूनिसिपैलिटीज, राज्य सरकारें और जो हमारा जल शक्ति मिशन है, क्या कभी ये सपना हमारा पूरा कर पाएगा कि जो टैप वाटर है वो पोर्टेबल ग्रेड हो और हमें घरों में आरओ की ज़रूरत नहीं हो, और जितना हम प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हैं वाटर बॉटल्स में हम उसको शायद कम कर सकें। मेंटेनेंस की बात मैंने आपसे करी, कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अरे पीछे अगर आप देखेंगे सड़कें, गार्डन अगर आप देखें तो एकदम आपको मेंटेन्ड लगते हैं। और यही बात है कि यहाँ पे जो लोग ना होने के बाद भी, छोटा शहर है उसके बाद भी यहाँ मेंटेनेंस की कमी नहीं है। हमारे यहाँ बड़े छोटे शहरों में हर जगह, छोटे शहरों को समस्या है कि हमारे पास बजट नहीं है, बड़े शहरों की आर्ग्यूमेंट ये होते हैं कि साहब जरूरत से ज़्यादा लोग हैं तो मेंटेनेंस कैसे करें। लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस को लेके किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिला है। जहाँ तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की, हम रात को अकेले घूम रहे थे, 12 बजे 1 बजे आप कहीं भी निकल जाइए, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि पुलिस घूम रही है, पुलिस भी देखने को नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं, लोग अपने अपने काम से, कोई स्टेडियम से आ रहा है, कोई रेस्टोरेंट से काम खत्म करके जा रहा है, कोई होटल की ड्यूटी खत्म करके जा रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग कार की जगह या तो पैदल को इस्तेमाल करते हैं, या यहाँ पे अगर आपने बच्चों के स्कूटर देखे होंगे, टू व्हीलर टाइप, जिसके ऊपर खड़े होके हैंडल पकड़ के आप लोग जा सकते हैं, ऐसे स्कूटर हर चौराहे, हर लाल बत्ती पे 5-5, 10-10 आपको खड़े हुए मिल जाएंगे। कोई चौकीदार नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, कोई चुरा के नहीं ले जा रहा, सबकी लाइटें लगी हुई हैं, सबके ताले की जगह वहाँ पे एक बारकोड है, आपको यूज़ करना है आप उसको बारकोड से लीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। किसी तरह की कोई चेन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी का कैरेक्टर है वो चोर बाजारी वाला नहीं है, चोरों वाला नहीं। ये भी एक समाज के बारे में बताता है कि इतनी महंगी चीज़ें आपके चौराहे पे, लाल बत्ती के पास, पार्किंग में, हर जगह आपको वो स्कूटर्स मिल जाएंगे, आप उठाइए और अपना चल दीजिए, जहां जाते हैं वहां खड़ा कर दीजिए। और ये आपको हर जगह मिलेगा पूरे शहर में, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, तोड़ते नहीं हैं, फेंकते नहीं हैं, तरीके से पार्किंग करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सार्वजनिक संपत्ति होने के बाद भी सार्वजनिक रूप से ढंग से मेंटेन्ड है। क्या हम सोच सकते हैं, क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज रखें लोग उसको चुरा के ना ले जाएं? ये है सोशल कैरेक्टर, शायद ये भी हमें बहुत कुछ सिखाता है किसी भी समाज के बारे में। जहां तक बात है लोगों की, दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया लोग बहुत मिलनसार हैं, कोई एग्रेशन नहीं है। और सबसे अच्छी बात, इस समय यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, कोई भी आदमी हमें नहीं मिला जो अपनी सरकार को कोस रहा हो,
कोई हमें रोता गिड़गिड़ाता नहीं मिला। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के होंगे, लेकिन हर आदमी अपने काम से काम है, किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं दिख रही यहाँ पे। यहाँ तक कि हम जब रेस्टोरेंट्स में गए तो लोग नाच गा रहे थे, रेस्टोरेंट्स फुल थे, फ्लाइट्स फुल थी, सोशल अगर आप वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में गए तो वहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस हॉल फुल है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ दोस्तों, हिंदुस्तान में लोग कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि लंच के आसपास सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, डिनर में बहुत भीड़ होती है, टेक्निकल सेशंस खाली से होते हैं। यहाँ पे ना लंच दिया जाता है, ना रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, ना चाय दी जाती है, सिर्फ टेक्निकल सेशन होता है, ना बड़े लंबे चौड़े कोई होर्डिंग्स होते हैं, ना कोई पैसा वेस्ट किया जाता है। लोग आते हैं, टेक्निकल सेशन फुल होते हैं, अगर आप वो सुनिए और अपना चले जाइए। आप चाय की उम्मीद अगर आपको करनी है तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं या पार्क काउंटर्स हैं, आप वहाँ पे जाइए, अपना पैसा दीजिए, चाय पीजिए, जो खाना खाइए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से यहाँ पे चाय पानी का इंतज़ाम, लंबे चौड़े खाने नाश्ते का इंतज़ाम, दुनिया भर की वेस्टेज नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप इवेंट देखेंगे तो यहाँ वही लोग आते हैं जो सीरियस हों, यहाँ पे लोग बैग लेने या खाना खाने नहीं आते हैं। इसीलिए जितनी भी टेक्निकल डिस्कशंस होते हैं लोग बैठते हैं, ढंग से सुनते हैं, और जितने लोग होते हैं वो सीरियस होते हैं। तो एज ए स्पीकर भी हमें ये पता होता है कि जितने लोग बैठे हैं वो वास्तव में सुनने और सीखने आए हैं, ना कि बैग लेने और खाना खाने आए। ये भी बताता है कि प्रोफेशनलिज्म इन देशों में कितना अच्छा है और हाउसफुल होते हैं। इसका मतलब ये है कि 3,000 लोग इस इवेंट में जिसमें मैं आया हूँ यहाँ आएंगे, और 3,000 लोगों को ना तो यहाँ पे खाना दिया जा रहा है, ना नाश्ता दिया जा रहा है, ना बैग दिया जा रहा है, उसके बाद भी 3,000 लोग पूरे यूरोप से और रशिया से, मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से आए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, किस बात को हमें देखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रशिया यूक्रेन के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एक चीज़ जो यहाँ के लोगों ने रियलाइज़ करी, बहुत सारे लोग मिले, अब वो सब आत्मनिर्भर रशिया की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि देखिए, आज तक हम ट्रेडिंग करते थे, यूरोप से माल आता था, अमेरिका से आता था, सब जगह से आता था, लेकिन अब हम ट्रेडर नहीं, अब हम मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं। तो क्या भारत की कंपनियां हैं जो हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप करना चाहेंगी, यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहेंगी? अगर वो नहीं लगा सकते, हमें फ्रेंचाइजी दे दें, हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन अब हम ट्रेडिंग से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर कहीं एम्बार्गो लगता है, जैसे पूरी दुनिया ने करेंसी पे एम्बार्गो लगा रखा है, इंटरनेट की बहुत सारी चीज़ों पे एम्बार्गो लगा रखा है, बहुत सारी वेबसाइट्स आप एक्सेस नहीं कर सकते, इस स्थिति में मुझे लगता है दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर भारत में जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि कल को अगर हमारे साथ, हमारे देशों के ऊपर, हमारे जो टेरिटरीज पे, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, या कोई और देश अगर अतिक्रमण करता है और उसके कारण सैंक्शंस लगते हैं, तो क्या भारत आत्मनिर्भर रह पाएगा या हम किसी क्रिटिकल चीज़ों के लिए दुनिया पे निर्भर रहेंगे? ये आज बहुत बड़ी सोचने की बात है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पे हमें आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है, रशिया का एक्सपीरियंस क्या कहता है, मैं अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मौसम बहुत खुशगवार है, आज बारिश की उम्मीद है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन बहुत ही प्लेजेंट और सुंदर शहर है। फिर मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक वंदे मातरम।